हाँ तो बिरजा माता के भक्तों आ चुके हैं जाजपुर के स्टेशन पे, और ये हमारे ओम भाई बैठे हैं और ये सब आंटियाँ बैठी हैं, लगेज रखा है और अभी निकलेंगे यहाँ से और ट्रेन जा रही है। बोलिए जय माता की। जय वैतरणी मैया की जय, वैतरणी मैया की जय, बिरजा भवानी की जय। माता जी के भक्तों ऑटो से जा रहे हैं बिरजा शक्तिपीठ के दर्शन करने, और यहाँ जाजपुर स्टेशन है, अभी यहाँ क्रॉसिंग से रुका हुआ है ऑटो, और हम 6 आदमियों के हमने ऑटो बुक कराया 1000 का, जिसमें वैतरणी नदी नहाएंगे, उसके बाद दर्शन करेंगे और देन वापसी दोनों साइड से, टोटल 1000 रुपये देने हैं। ठीक ही है, ये अपना ऑटो है। जय माता की। और हम लोग बहुत ही ज़्यादा सौभाग्य वाले हैं, घर पे तो नहीं सोचा था कि यहाँ वैतरणी नदी भी बहती हैं, बट बहुत ही अच्छी बात है कि हम लोग की वैतरणी नदी होती हैं, तो गाय की पूछ पकड़ के क्रॉस किया जाता है, तो यहाँ ब्रिज से क्रॉस करेंगे हम लोग। बोलिए जय माता की, जय हो वैतरणी माता। हाँ तो भगवान जी के भक्त तो बहुत ज़्यादा ऊपर वाले की कृपा है, कभी हम पाताल गंगा नहाते हैं, अभी यहाँ वैतरणी नहा रहे हैं, तो ये बिल्कुल भी छोटी बात नहीं है हमारे लिए, तो बिल्कुल भी नहीं है। बोलिए जय माता की। और अभी यहाँ से कुछ 38 किलोमीटर है, ऐसे ऑटो वाले भैया बता रहे हैं, वैसे मैंने नेट पे चेक करा था गूगल मैप में तो 32 बता रहे हैं, जो भी है फिलहाल हाँ 40 के अंदर है, तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है। और रेलवे क्रॉसिंग पर ऑटो रुका हुआ है ये, बस अभी कुछ 5:30 का टाइम हो रहा है और इसके बाद भी प्रोग्राम है, आज भुवनेश्वर फिर और फिर 64। हाँ तो यहाँ से दर्शन करने के बाद जाएंगे भुवनेश्वर 64 योगिनी जी के दर्शन करने, जो कि हमारी तीसरी 64 योगिनी है देश में, भारतवर्ष में 4 64 योगिनी मंदिर है, तो ये हमारा तीसरा होगा और अगले महीने हम चौथा भी कर लेंगे, तो बस माता की कृपा है। बोलिए जय माता की। ओम नमः शिवाय। तो माता जी के भक्त तो आ चुके हैं बिरजा मंदिर पे, ये एंट्रेंस है और इस एंट्रेंस के पीछे शिखर है, अभी सबसे पहले जो है वैतरणी नदी नहाने जा रहे हैं, यहीं कहीं से रास्ता है, उसके बाद दर्शन करेंगे, ये 51 शक्तिपीठ में से एक है और बहुत ही अच्छी बात है, जबकि 51, 52 और 108 शक्तिपीठ हैं टोटल, तो 51 तो ऑलमोस्ट हमने कर ही लिए हैं, जो लिस्ट मैंने सॉर्ट करी थी वो तो कर ही ली है, बट शक्तिपीठ तो शक्तिपीठ होता है। बोलिए जय माता की। हाँ तो माता जी के भक्त अब जा रहे हैं वैतरणी माता नहाने, और वहाँ पे तर्पण का कार्य भी कर लेंगे क्योंकि लाए तो हैं सारा सामान, और 51 शक्तिपीठ है बिरजा माता, ये एंट्रेंस है, ये अपनी टीम है और ये ऑटो है और पीछे ऑटो वाले भैया हैं। बोलिए जय माता की। तो भाई आपको पता है वैतरणी माता उधर तो मृत्यु के बाद ही देखी है, सुना यही है पुराणों में यही है कि भाई वो वैतरणी माता अगर अच्छे कर्म करता है तो गाय की पूछ पकड़ के आसानी से पार हो जाती है, अन्यथा उनमें सारी जितने भी आपको पता है जितनी प्रकार की मनुष्य की खुद की गंदगी है उनमें डूब डूब के जाना पड़ता है। आप पता लगी कि भाई अपने तो भारत देश में ही वैतरणी माता है, अब देखिए कितने सौभाग्य की बात है उसमें स्नान करेंगे, और वैसे तो बहुत बड़ा पाट है, बहुत बड़ी विशाल माता है, लेकिन अब हम उन्हें पुल से पार करेंगे, तो बोलिए वैतरणी माता की जय। भाई साक्षात अपने शरीर से वैतरणी माता पार कर लें, इससे अच्छी इससे सौभाग्य की क्या बात है, और पूरी अपनी टीम के साथ अपने परिवार के साथ जय वैतरणी माता की जय।
भाई लोगों, पीछे ये मंदिर की दीवार है और अब आ चुके हैं वैतरणी माता। तो बहुत ही ज्यादा सौभाग्य की बात है कि मंदिर के नजदीक ही है वैतरणी माता। तो जो कोई भी यहाँ जाजपुर और शक्तिपीठ के दर्शन करने, तो वैतरणी माता जरूर आए दर्शन करने के लिए। तो माता जी के भक्त आ चुके हैं वैतरणी माता, और ये ऊपर ब्रिज है, पुल दिख रहा है, इससे क्रॉस करेंगे। अदरवाइज यहाँ से अगर नीचे से क्रॉस करने का होगा तो बस यहाँ से भी क्रॉस कर सकते हैं। और ये मंदिर है, जो काफ़ी छोटे छोटे मंदिर हैं, बाकी मेन मंदिर यहाँ पीछे ही है। ये अपनी टीम है, ओम दुंग दुर्गाय नमः, ओम दुंग दुर्गाय नमः। वैतरणी माता जो है, वैतरणी नदी जो है, वो यमलोक में बहती है ना। तो चाहे वो पुण्य आत्मा हो या पाप आत्मा हो, उसको वैतरणी क्रॉस ही करनी पड़ती है। पुण्य आत्मा होती है तो गौ माता की पूछ पकड़ के वैतरणी माता क्रॉस कराई जाती हैं। अदरवाइज अगर पाप आत्मा होते हो आप, तो यमराज के दूत आपको खींचते हैं। बहुत ज़्यादा गंदगी होती है जो यम दूत खींचते हैं, तो यही है वैतरणी माता। धरती पे भी है तो इससे ज्यादा अच्छी बात क्या है। अब आए हैं तो दर्शन भी करेंगे माता के, स्नान भी करेंगे। जय माता की, ओम नमः शिवाय। तो माता जी के भक्त जा रहे हैं वैतरणी माता में स्नान करने। बोलिए जय माता की, हर हर गंगे। जय माता जी। भाई देखो गंगा जी के भक्तों, आपको तो पता ही, हम होते ही कितने लोग हैं, दोनों बच्चे ही नहा रहे हैं और कोई नहीं नहा रहा अभी। देखो अब आपको तो सब दिखलाई दे रहा होगा इसमें।
हाँ तो माता जी के भक्तों, वैतरणी माता में स्नान कर लिया है और हम माता जी गई हैं और हम दोनों भाई खड़े हैं और आंटी हैं, दो आंटी ऊपर गई हैं पैसेंट करने। तो या तो हम वैतरणी नदी इस पुल से क्रॉस कर सकते हैं, अदरवाइज यहाँ पे क्रेन खड़ी है यहाँ से क्रॉस कर सकते हैं, क्रॉस तो करेंगे ही। ओम का जय माता की, जय माता की, जय माता जी, जय माता की, हर हर गंगे। तो भगवान जी के भक्तों, बहुत ही ज़्यादा हम लकी हैं कि हम वैतरणी माता नहाने आए हैं और बिरजा माता के दर्शन करने आए हैं, जो कि 51 शक्तिपीठों में से एक है, ऐसा व्याख्यान है, अदरवाइज 108 में से तो है ही है। तो बहुत ही अच्छी बात है। और अब इसके बाद जाएंगे भुवनेश्वर, फिलहाल अभी तो यहीं के दर्शन कर लें अच्छे से। बोलिए जय माता की। हाँ तो माता जी के भक्तों, वैतरणी माता से ऊपर आ चुके हैं, दर्शन करने जा रहे हैं बिरजा माता, जो कि शक्तिपीठ में से एक है। तो ये अपनी टीम है और ये गौ माता खड़ी है छोटी सी। माता जी के भक्तों, ये है एंट्रेंस शक्तिपीठ का और आप दर्शन करने जा रहे हैं, और मेरे ख्याल से अंदर कैमरा अलाउ नहीं है, तो यहीं से फोटोग्राफी वीडियोग्राफी होती है, बाकी देखते हैं अभी अंदर, अगर फोटो वीडियो बनती होगी तो मोबाइल तो लेके जा ही रहा हूँ, देखते हैं क्या होता है। बोलिए जय माता की। ओम दुम दुर्गाय नमः। कृष्ण मुरारी की आरती को
तो भाई लोगों, ये जो मंदिर है ये शक्तिपीठ नहीं है, ये जगन्नाथ जी का मंदिर है। तो हमने सोचा था शक्तिपीठ है, तो शक्तिपीठ जो है यहाँ से 3 किलोमीटर है। तो यहाँ वैतरणी माता का स्थान है, इसलिए यहाँ पे जगन्नाथ जी का मंदिर है। तो भाई लोगों, यहाँ पे जो है हमने वैतरणी स्नान कर लिया है। पीछे जो मंदिर है वो जगन्नाथ जी है, और अपने सोचा कि वो गिरजा शक्तिपीठ है, तो वो यहाँ से 3.5 किलोमीटर दूर है। तो अब वहाँ जा रहे हैं। ऑटो अपना ये खड़ा है, सारे लोग अंदर बैठे हैं, और ये एंट्रेंस है जगन्नाथ जी के मंदिर का। और यहाँ पीछे से रास्ता जाता है सीधे नीचे कुछ ही कदम पे वैतरणी माता है। बोलिए जय माता की। जय वैतरणी मैया की, जय जय भगवान जगन्नाथ की, जय जय विरजा भवानी की, जय जय सब संतन की, जय।